पत्रकार एवं ग्रामीणों को किया जा रहा है परेशान। मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत कुरावर थाने का है, जहां कोटरी कला निवासी बबलू खान के द्वारा अपने दिए हुए पैसे मांगने पर रिश्तेदार महिला द्वारा कुरावर थाने पर झूठी FIR दर्ज करवाई गई एवं पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे आरोप में पत्रकार शरीफ पठान एवं बबलू खान निवासी कोटरी कला के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आखिर ऐसी अनदेखी कब तक। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती आप? छापरी। आपने अपनी जमीन पे जाने के लिए पैसा दिया। रास्ता लेने के लिए किसको कितना पैसा दिया? शरीफ भाई को, बबलू भाई को। 30,000, 1,00,000। 1,30,000। आपने क्या कहा? कि हमें रास्ता दिलवा दो। फिर क्या हुआ? मना कर दिया कि हम तो जमीन का लेंगे, कि अपन तो जमीन दिलवाएंगे। अच्छा, रास्ता नहीं दिलवाएंगे, पैसे के ऊपर नहीं दिलवा रहे। पैसे के ऊपर नहीं, तहसीलदार को देके और अपन बुलाएंगे तहसीलदार को। अच्छा अच्छा, पटवारी को। हाँ, तो थाने में देंगे पैसे, अपन थाने में भी नहीं पहुँचे। अच्छा, हाँ। मतलब अभी रास्ते का कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है? पैसा लेना, अपना पैसा वापस लेना। हाँ। रास्ते का काम बाद में करना। हाँ। ठीक है। हाँ, रास्ता के नाम मना कर दिया। क्या नाम है आपका? बबलू खान। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि वो हमारी समधन को हमने पैसा दिया था ट्रैक्टर के लिए, क्या नाम, ट्रैक्टर लेने, ट्रैक्टर ला रहा है तो तुम दे दो 1,00,000 रुपए। तो हमने 1,00,000 रुपए समधन को, मैंने गाड़ी बेच के आया इंदौर से, तो मैंने ला के दिए। काय की गाड़ी बेच के आए थे आप? लकड़ी की गाड़ी जी। अब वो इन्होंने पैसे नहीं दे पाई है मुझे, 2.5 साल के समथिंग हो गए पैसों को। मैंने फिर ब्याज से पैसा उठा के धंधा करा दूसरे के पैसे से। अब मैं इनसे कह रहा, तुम ब्याज के समेत पैसे लूंगा, ज्यादा टाइम हो गया, तो ये पैसे नहीं दे पा रहा मुझे, पैसे ज्यादा बन गए इनके ऊपर। तो इन्होंने मेरे पे इल्जाम रखा, ये हमारे समधन भी हैं और बहन भी लगती हैं, वो ये अनशन वीडियो डाल रहे हैं बना के बदनामी करने के लिए, और पुलिस वालों को कह रहे हैं कि पुलिस वालों के बहाने से लिए, तहसीलदार के बहाने से लिए, किसी के बहाने से नहीं लिए पैसे, में से पैसे दिए ही नहीं इन लोगों ने, जमीन के चक्कर में गए थे। शरीफ खान भी मेरे साथ में था, शरीफ खान का भी नाम ले रहा है, शरीफ खान का भी नाम ले रहा है, तो मनोज शर्मा भी हमारे साथ में था पटवारी जी, और शैलेश भाई भी पटवारी छापरी के, वो भी साथ में थे, हम सब साथ में गए हैं। और पैसा कोई नहीं दिया, जो हमारे पटवारी पे हम पे इल्जाम लगा रही है गलत सलत कि पैसा लिया मेरे से। हमने रास्ते के बारे में बात करी थी थोड़ी बहुत, तो इन्होंने, मैंने बोला मेरे पैसे दे दो पहले, उनके बात करना आपका रास्ते का निकाल, तो ये मेरे पे चल गई, मेरे पे अनशन इल्जाम लगा रही है ये। और ये हमारे, क्या नाम है इनका, समधन का आपकी? नसीबन नाम है इनका। क्या नसीबन भी नाम है इनका जी? तो वो अधिकारी को पैसे दिए आपने क्या? नहीं, किसी को नहीं दिए। किसी के नाम से लिए क्या? नहीं, किसी के नाम से नहीं लिए। शरीफ पत्रकार भी साथ में थे, 4-5 पटवारी, बबलू पटवारी हल्के का, और ये 4-5 पटवारी साथ में थे, कोई पैसा वैसा नहीं दिया। आप चाहें तो उनसे बुला के मालूम करें। ओके सर।